ओम शांति। आज है 23 दिसंबर 2021 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। प्रश्न, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? उत्तर, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने, इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। गीत, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने। यह भी हिसाब किया जाता है आखरीन में भी बाबा आते किस समय हैं, तिथि तारीख नहीं, परंतु किस समय में आते हैं। जरूर 12:01 हुआ होगा तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। यह है बेहद की रात और दिन, तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती है। अपने बच्चों से ही कहते हैं, हम आकर रात को दिन, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं अथवा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को ही कहा जाता है, शिवरात्रि कहते हैं ना, आते ही हैं रात को दिन बनाने। उनकी कोई जन्मपत्री है? कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख कुछ नहीं है क्योंकि उनको बहुत दूर ले गए हैं, यह किसको पता नहीं है। कृष्ण का जन्म कब हुआ, संवत तिथि तारीख कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ रात को मनाते हैं। वास्तव में शिव बाबा है ही रात को आने वाला। तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्रि, भारत में मनाते भी हैं शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी मरणती नहीं है। मनुष्य जन्मता है फिर मरता भी है, वह तो मरता ही नहीं, इसलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग है, शिवरात्रि कहना ठीक है, यह शिव बाबा बतलाते हैं। दूसरा कोई ऐसे कह ना सके, भल कहते हैं शिवो हम, परंतु बता ना सके मैं कब आता हूँ, क्या आकर करता हूँ। शिव बाबा तो बतलाते हैं कि अब आधा कल्प की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू। यह गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पतित दुनिया भी बरोबर है, कलयुग का अंत है, मुसीबतें भी सामने हैं। समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, नेचुरल कैलमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो जरूर गीता का भगवान आया होगा, आएगा ही कलयुग के अंत में। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस वह फिर द्वापर में तो हो ना सके। मनुष्य को 84 शरीर मिलते हैं, हर एक जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं, एक ना मिले दूसरे से। भल अभी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो हो ना सके, उनका फोटो भी निकल ना सके, ऐसे ही मिट्टी का कागज का बना लेते हैं। एक्यूरेट फीचर्स तो जब ध्यान में जाओ तब तुम देख सकते हो, फोटो निकाल नहीं सकते। मीरा कृष्ण से डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी है, शिरोमणि भक्तों में गाई जाती है। कृष्ण को याद करती थी तो झट उनको साक्षात्कार होता था, कृष्ण से प्रीत थी, साक्षात्कार में देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी। जानते हैं वहां विकार तो होता नहीं, कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े,
पतित तो कृष्ण के साथ मिल ना सके, मीरा पावन रही इसलिए उनकी महिमा है। यह सब राज बाबा ही समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो उनकी अल्पकाल क्षण भंगुर की भावना पूरी हुई, साक्षात्कार हुआ। जो मनोकामना रखते हैं वह अल्पकाल के लिए पूरी हो जाती है। अनेक प्रकार के देवताएं आदि हैं, उनका साक्षात्कार चाहते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्ति मार्ग की भी नोंद है। वेद शास्त्र पढ़ते माथा मारते तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अर्थात मुक्ति में जाएं परंतु जा नहीं सकते। मुक्ति में ले जाने वाला है ही एक बाप, उनको ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है, दूसरा कोई ले जा नहीं सकता। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जीवन मुक्ति थी, जीवन बंध नहीं था। बहुत थोड़े आदमी रहते थे, इस समय कितने करोड़ों मनुष्य हैं। सत्युग में इतने थे नहीं, बाकी उस समय सब कहाँ थे यह भी अभी तुमको पता पड़ा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज अभी तुमको मिलती है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जान नहीं सकते, अभी तुम जानते हो। पतित सृष्टि का अंत है वह तो समझते हैं। कलयुग अजुन 40,000 वर्ष चलना है परंतु तुम जानते हो अभी कलयुग का अंत होना है, तभी बाप आकर सारी नॉलेज सुनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच है ही भगवान, उनका जन्म भी यहाँ होता है, आते भी हैं संगम पर और अंत होने का इशारा देते हैं। विनाश का साक्षात्कार भी कराया है, अर्जुन के लिए भी दिखाया है ना कि साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है, जितना जितना नजदीक आएंगे तो देखने में आएगा। हर के नजदीक आते हैं तो सब बातें याद आती है ना, तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तुम जानते हो बरोबर भारत विश्व का मालिक था, बाप कहते हैं मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह स्थापना हो रही है भविष्य नई दुनिया के लिए, संगम पर स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग पर, वह है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण, वह देवताएं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि संगम किसको कहा जाता है। इनको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहा जाता है, जहां से पतित भारत पावन बनता है। बाप भी कल्याणकारी है, आते भी भारत में हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पतित हो, एक भी पावन नहीं, सब भ्रष्टाचारी हैं, विकार से पैदा होते हैं। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे, फिर अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? स्वर्ग की, देवी देवता धर्म की। तुम यहाँ आए हो देवी देवता बनने, दैवी गुण धारण करने। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि कोई भी विकारी को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी होती है, एक बार प्रतिज्ञा कर फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम रसातल में चले जाते हैं, चंडाल का जन्म पा लेते हैं। यहाँ बाबा के आगे पतित कोई आ नहीं सकते। अगर ब्राह्मणी भूल से भी ले आती है तो उन पर भी बड़ा दोष आ जाता है, दोनों चंडाल बन पड़ते हैं। जो पावन नहीं बन सकते उनको यहाँ आने का हुक्म नहीं है, पर्सनल आकर समझ सकते हैं परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। अगर भूल से ले आते हैं तो उनको चोट बहुत लगती है। आते तो ढेर हैं, सबको मालूम है कि बेहद
बाप के पास जाते हैं। हमको पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी तो उनका कितना मान है। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, फिर भी वह कहते हैं हमको जहर चाहिए। अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं विष के लिए। कृष्ण की तो बात नहीं, यह तो बड़ी भूल है जो भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप समझाते हैं कि भक्त कहते हैं भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने, तो भक्ति निष्फल हुई ना, परंतु कुछ भी नहीं समझते हैं। भारत ही गोल्डन एज था, अब है आयरन एज। कहते भी हैं पतित पावन आओ तो पतित ठहरे ना, परंतु किसको कहो तुम नरकवासी पतित हो तो समझते नहीं। बाबा ने जब समझदार बनाया था तो स्वर्ग था, अभी बेसमझ होने से कंगाल बने हैं। जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना ऊंच था। कहते भी हैं स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो लोग समझते हैं वहां भी असुर थे। यह शास्त्र कोई सदगति के लिए नहीं है, वह तो जब बाप आए तब सर्व की सदगति करे। यह है रावण राज्य, तब तो चाहते हैं राम राज्य हो। यह नहीं जानते कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। ज्ञान सागर बाप तो सबको सदगति में ले जाते हैं, यह समझने की बातें हैं। हरेक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है इस पृथ्वी पर पाठ बजाने। आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी, उसमें आत्मा अविनाशी एक्टर है, परम धाम की रहने वाली है। 84 जन्म गाए हुए हैं, वह तो 84 लाख कह देते हैं। परमात्मा को पत्थर भीतर में कह देते तो गलानी हुई ना। बाप भारत पर उपकार कर स्वर्ग बनाते हैं, रावण आकर अपकार कर नरक बना देते हैं। यह खेल है दुख सुख का, यह है कांटों का जंगल। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बड़े से बड़ा कांटा है काम विकार। अभी बाप कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप आया है सहज योग सिखलाने। कहते हैं मुझ अपने माशुक को याद करो। सभी आत्माएं एक माशुक पर आशिक हैं, वह आकर सबको ले जाते हैं मुक्ति धाम। परंतु बाबा कहते हैं तुम पतित चल नहीं सकेंगे, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। ड्रामा अनुसार जब टाइम आता है तभी मैं आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने। यह वही महाभारत लड़ाई है, मृत्यु लोक में यह अंतिम लड़ाई है। अमर लोक में लड़ाई होती नहीं, वहाँ है ही राम राज्य। वहाँ रहते हैं धर्मात्माएं, यहाँ है पापात्माएं। पाप करते रहते हैं, पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं 1 सेकंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूँ। इसमें सिर्फ यह एक ही अंतिम जन्म लगता है और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। तो बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो, इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। अंध श्रद्धालु है ना, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, बायोग्राफी को जानते नहीं। अब बाप आकर इन सब का ज्ञान देते हैं, इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। यह भी बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं जो परम पिता परमात्मा को यथा मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर ठहरे। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं,
आप सर्वगुण संपन्न हैं, हैं तो दोनों मनुष्य ना, परंतु यह है सारा कांटों का जंगल। बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। भारत सचखंड था, फिर रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। सचखंड बनाने वाला है परमपिता परमात्मा, बाप ही आकर परिचय देते हैं सो भी ब्राह्मण बच्चों को, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से कब किसको विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती है। भारत जो विश्व का मालिक था सो अब कंगाल बना है। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है जो बाहर में बोर्ड देखते भी हैं, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो भी नहीं समझते कि यह एक ईश्वरीय फैमिली है। इतने ढेर बीके हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात हो न सके। यह है ईश्वरीय परिवार, समझते हैं यह भी कोई इंस्टीट्यूशन है। अरे यह तो फैमिली है ना, कुमार कुमारियां, यह तो घर हुआ ना। इतनी प्रदर्शनी करते हो, समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े ही हैं। 7 दिन का जब कोर्स ले अच्छी रीति समझें, तब बुद्धि में बैठे कि बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है, बाप समान सभी पर उपकार करना है। नंबर 2, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, मरजीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार स्वभाव संकल्प व कर्म होते हैं उनसे मरजीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ हुल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। स्लोगन, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।